यूँ तो गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए खास मायने रखता है, लेकिन देवभूमि के लिए इस बार ये बेहद ही खास होने वाला है। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी IIP देहरादून के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित बायोफ्यूल से वायुसेना का विमान राजपथ पर ऐतिहासिक उड़ान भरेगा। यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा जेट्रोफा पौधे से तैयार किया गया बायोफ्यूल सेना के विमान को रफ्तार देगा, जिसका नजारा आने वाले गणतंत्र दिवस पर आपको देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस की इस ऐतिहासिक उड़ान के लिए भारतीय वायुसेना के एंटोनोव 32 विमान को चुना गया है। सेना में इस विमान का उपयोग ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। 16,800 किलो वजनी इस विमान की रफ्तार 530 किलोमीटर प्रति घंटा है। गणतंत्र दिवस के दिन वायुसेना का ये एयरक्राफ्ट जयपुर से करीब आधे घंटे की उड़ान भरेगा। इसके लिए IIP दून ने 1400 लीटर बायोफ्यूल उपलब्ध कराया है। इस मौके पर IIP बायोफ्यूल प्रोजेक्ट की टीम लीडर डॉक्टर अनिल सिन्हा ने खुशी जताते हुए कहा कि ये उनकी टीम के लिए गौरव की बात है। इससे पहले 27 अगस्त 2018 को देहरादून से दिल्ली के लिए बायोफ्यूल से स्पाइस जेट की पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ाई गई थी, जिसके बाद अब जेट्रोफा से तैयार बायोफ्यूल से भारतीय वायुसेना का विमान उड़ान भरेगा, जो कि प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। ETA भारत, उत्तराखंड डेस्क, हैदराबाद।